गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट द हेयर ऑयल्स आई एम करेंटली यूजिंग। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कौन कौन से हेयर ऑयल मैं अभी करेंटली यूज कर रही हूँ। मैं तो चेंज करती रहती हूँ, आपको पता है मैंने जो बताया है, अगर प्रोडक्ट सही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके हेयर में और स्किन में। तो अभी मेरे हेयर के आप कंडीशन देख सकते हैं, तो काफ़ी बुरा भी नहीं है, अच्छा ही है, जो कि मेंटेन करती हूँ। सबको मेंटेन करना चाहिए और इसको मेंटेन करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। जस्ट एक जो भी कर रहे हैं, जितने भी प्राइस का आप ऑयल परचेस कर रहे हैं, जितना भी मेहनत कर रहे हैं अपने हेयर या स्किन के ऊपर, आपको उसका एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल हेयर में लगाते हैं तो उसी को कंटिन्यू कीजिए वीकली 3 times और 4 times। अगर आपको शैम्पू करना है वीकली 3 days तो हर वीक वही कीजिए, ऐसा नहीं कि वीकली 1 day कर लिया, नहीं होगा ऐसे। तो ऐसे ही आपको मेंटेन करना चाहिए एक रूटीन। तो जो मैं आपको बताऊंगी मेरे हेयर ऑयल्स के बारे में, कौन से हेयर ऑयल्स मैं अभी यूज कर रही हूँ, तो पहले ही मैं आपको दिखा दूँ, ये तो है बचपन का ऑयल, ये है जैक ऑलिव ऑयल। एक्चुअली ये बॉडी ऑयल है बट मैं इसको हेयर पैक में यूज करती हूँ। और मैं जो हेयर ऑयल का एक मिक्सचर बनाती हूँ, मैं एक ऑयल नहीं यूज करती हूँ, बहुत सारा ऑयल को मिक्स करके उसको हीटर में हीट करके फिर एक ऑयल बनाती हूँ, जो मैं वीकली 1 time यूज करती हूँ। हॉट ऑयल मैं 1 time यूज करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और क्यों मैं 1 time यूज करती हूँ उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये क्या एक जो मैं हेयर ऑयल की तरह यूज करती हूँ, जैक ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हो। नेक्स्ट है ये ऑनियन ऑयल, ये है वाव का ऑनियन ऑयल, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और ये ऑयल मेरे लिए सबसे अच्छा ऑयल है, क्योंकि मुझे इतना हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा था आफ्टर स्मूदनिंग, और ये ऑयल मुझे बचाया। ये सिंगल ऑयल गुड वाइब्स का प्रोडक्ट्स तो मैं लास्ट 1 month मैंने खरीदा है अप्रैल में, उससे पहले ये ऑयल मुझे बचाया है। नो हिटिंग, नो अदर ऑयल्स, जस्ट ये ऑयल को यूज करके मैंने अपना हेयर फॉल कंट्रोल किया है, कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, इसीलिए ये ऑयल मेरे लिए काम किया। नेक्स्ट ये और एक ऑयल है, ये बहुत एक पुराना ब्रांड है सेशा, ये भी एक आयुर्वेदिक ऑयल है। जैसे कि मैं कोई केमिकल ऑयल यूज नहीं करती हूँ, ये भी एक आयुर्वेदिक ऑयल है, और ये भी बचपन का ऑयल मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तब भी मैं ये ऑयल यूज करती थी। बट ये ऑयल यूज करते समय मुझे ये एक चीज लगा कि इससे डैंड्रफ बहुत बढ़ जाते हैं, हेयर लेंथ बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है, बट उसके साथ डैंड्रफ काफी हद तक बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं इसको सारे ऑयल्स के साथ मिला के लगाती हूँ और एंटी डैंड्रफ प्रोटेक्शन लेती हूँ, तो इसीलिए डैंड्रफ का कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हेयर पे। नेक्स्ट है गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल, ये भी मैं ऑयल में मिलाती हूँ, और कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए, रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको पता है। आप इसको बॉयज जो है वो ब्रीड्स के लिए लगा सकते हैं, जिन लोगों के आईब्रोज के ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, आई लैशेज के ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हो। तो मैं हेयर पर भी ये लगाती हूँ, तो इसको लगाने के बाद बहुत हेयर ग्रोथ हुआ है सामने यहाँ पे, तो ये काफी अच्छा। कोई भी कैस्टर ऑयल आप ले सकते हो, सारे ही काम करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है गुड वाइब्स का कोकोनट करियर हेयर ऑयल कोल्ड प्रेस, तो ये भी कोकोनट ऑयल है, काफी अच्छा है, तो मैं यूज कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा है। तो ये है दूसरा, तो ये है और एक ऑयल। नेक्स्ट जो मेरे पास है ये भी कैस्टर ऑयल है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो नया वाला पैक था। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये नीम ऑयल, ये भी गुड वाइब से ही है, और नीम ऑयल सिर्फ हेयर के लिए नहीं, बहुत सारे काम में आते हैं, स्पॉट रिमूविंग के लिए भी बहुत अच्छा है नीम ऑयल, तो ये भी अच्छा है मेरे लिए एक। नेक्स्ट है ब्राह्मी नेचुरल कैरियर ऑयल, ब्राह्मी भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको पता है ब्राह्मी, शिकाकाई, आंवला, ये सब बहुत अच्छे ऑयल होते हैं, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, तो उसमें से ही मैंने ये ब्राह्मी वाला लिया है। तो आंवला, शिकाकाई सारा आपको अवेलेबल मिल जाएगा purple.com पे, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने वो इन्ग्रीडियंट्स का हेयर पैक लिया है, इसीलिए मैंने नहीं लिया है वो वाला ऑयल, तो इसके बाद ज़रूर ट्राई करूँगी। नेक्स्ट है ये एसेंशियल ऑयल, जो कि है फेस ऑयल, आर्गन ऑयल गोल्ड लिप्स, तो ये वाला ऑयल मुझे फेस में नहीं लगाना है, क्योंकि इससे मुझे फेस में इरिटेशन हो रहा था, तो इसीलिए मैं अपने हेयर में इसको लगा रही हूँ, और आर्गन ऑयल हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये मेरे हेयर के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो इसको मैं हेयर में लगाती हूँ।
नेक्स्ट है लेमन एसेंशियल ऑयल। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि लेमन एंटी डैंड्रफ की तरह काम करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, कोई भी इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से आपके स्कैल्प को बचाता है, इसलिए इसको मैं हेयर ऑयल की तरह यूज करती हूँ, ऑयल में 2-3 ड्रॉप डाल के। नेक्स्ट है ये पिपरमेंट ऑयल, ये भी अर्ब्स गुडनेस का है, ये लेमन भी अर्ब्स गुडनेस का ही था, और ये ऑयल काफी अच्छा है क्योंकि हेडेक के लिए ये ऑयल काफी अच्छा है और बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है आपको। 2-3 ड्रॉप अगर आप कोई भी ऑयल के साथ मिक्स करके लगा लोगे तो आपके स्कैल्प में बहुत ही कूल फीलिंग आएगा, एकदम आइस की तरह लगेगा, और वो ठंडा ऑयल लगाने से जैसा होता है ना वैसा ही होगा। तो ये बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत काम का है क्योंकि सर दर्द के टाइम में भी मैं इसको लगा लेती हूँ। ये है अर्ब्स गुडनेस का ऑनियन हेयर ऑयल, और इसका स्मेल इतना खराब है, ऑनियन का स्मेल वैसे ही खराब ही होता है और इसका तो बहुत ही खराब है, बट ये वर्क बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑनियन हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल की तरह हेल्प करता है, तो ये एसेंशियल ऑयल बहुत ही काम का है। जो मैं बता रही थी कि मैं जिस दिन वो हीटर में हीट करके ऑयल लगाती हूँ, मैं वो एक दिन क्यों लगाती हूँ वीक में, क्योंकि इस ऑयल से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैं अभी भी दूर रख के बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे नाक में इसका स्मेल जा रहा है तो मुझे एकदम सर दर्द हो रहा है। तो इसके लिए ये जिस दिन मैं रात को यूज़ करती हूँ, अभी से मैं इसको रात को यूज़ नहीं करूँगी, तो उस दिन से मेरे तकिए में स्प्रे करके सोना पड़ता है, इसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ रात भर। तो यही था सारा ऑयल स्विच आई एम करेंटली यूजिंग। तो यही सारा ऑयल है, आपने देख लिया है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी 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 गुड बाय।